तानसेन जी के जन्म स्थल बेहट से कुछ ही दूर घनी जंगल में एक साम्राज्य था जो अब खोसा गया है। प्रकृति में लिपटा जमरोहा का किला और खंडर पड़ी ये हवेलियाँ कुछ कहानी बयां करती हैं। चलिए जानते हैं ग्वालियर के पास मौजूद जमरोहा के बारे में। ग्वालियर से 60 किलोमीटर दूर बेहट शहर से थोड़ा सा पहले एक रास्ता जाता है घने जंगल की तरफ। ये जंगल ऊंचाई पे होने के कारण कटीला जंगल है, लेकिन यहाँ भी जंगल में आपको कुछ गांव देखने को मिलेंगे। ये जंगल आगे गिजोरा से भी जुड़ा है, जहाँ पे मैं आपको पहले एक बार ले गया था। यहाँ पर हम पहले हमारे मित्र के घर जा रहे हैं, जो कि केमई नाम के एक छोटे से गाँव में है। गाँव में पुराने घर अब पक्के होते जा रहे हैं। अभी हम लोग केमई गांव में हैं और ये छोटा सा पुरा है। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा घर नहीं है। ये ज़्यादातर इस वजह से यहाँ लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे भैंसे को डांग अच्छी मिल जाती है घास चटने के लिए, है ना। जमीन अपनी, हाँ जमीन अपनी है इधर, धान भी है, डांग है, लेकिन थोड़ा ये जंगल डांग में अंदर पड़ता है। अंदर पड़ता है, 3 किलोमीटर। ये बेहट के पास ही है और ग्वालियर से बेहट जाते हैं तो रास्ते में इसका रास्ता कटता है ऊपर चढ़ने के लिए। तो अभी हम लोग आए हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मृत्युंजय भाई हैं, उनके यहाँ आए। अब यहाँ से हम जमरोहा जाएंगे। जमरोहा प्राचीन गांव है जहाँ पे पहले बसाहट थी और अब वहाँ से बसाहट हट गई। तो वहाँ पे प्राचीन हवेलियाँ हैं, किले हैं और आज देवता का मेला भी है क्योंकि आज चौथ है, तो उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए साथ में। ये गरम गरम हमें दूध पीने को मिला है, यहाँ पे चाय से बढ़िया तो दूध ही है। हमारे मृत्युंजय भाई हैं, मृत्युंजय हसाना। जमरोहा ये प्राचीन गांव है। ये प्राचीन गांव है, ये लोक का गुर्जर लोक देवताओं का गढ़ है और इस गांव की ऐतिहासिक भूमिका रही है अपने ग्वालियर में। हाँ जी, एक समय पे ये तहसील भी हुआ करता था, ग्वालियर इतना बड़ा कस्बा हुआ था। खंडर है आज किन्हीं कारण की वजह से, लोग वहाँ से बाकी जगह बस गए। ये तो पापा है मोनू के, हम मम्मी है। केमई गांव जो है ये बहुत साल पहले एक सरदार थे, मेहताब सिंह नाम था वो। मेयर बिल्कुल सेम कोइंसिडेंस है कि जो नाम मेरा है वही उनका नाम था। तो उन्होंने ही गांव बसाया था। बाद में ये जो इनके दादाजी उनके मित्र थे वो बाद में फिर वो लोग पंजाब चले गए और ये यहाँ पे अब रहते हैं। अभी लोग यहाँ रहते हैं। अभी हम लोग चलते हैं जमरोहा की तरफ। बताते हैं कि अभी गांव में क्या होता है। जिस दिन देवता आते हैं, चौथ होती है, तो अपना जो हिस्से का दूध होता है जो वो या तो घर में रख के खीर बनाते हैं उसकी, या फिर वो जो देवता होते हैं देवता स्थान में भंडारे में देते हैं। तो वही हम आज दूध लेके भी जा रहे हैं, थोड़ा सा दूध भी लेके जा रहे हैं, तो चलते जमरोहा। आज सावन के बाद बहादुर के महीने की चौथ है, तो आज जमरोहा में भी देवताओं का मेला लगेगा। ये वैसा ही मेला होगा जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में झाला में दिखाया था, लेकिन जमरोहा में काफी परिवारों के देवता स्थल हैं, तो यहाँ का मेला देखने लायक है। कहते हैं जमरोहा में ग्वालियर मुरैना के काफी लोगों के पूर्वज रहा करते थे। ये हम खड़े हैं जमरोहे पे, यहाँ पर गुर्जरों के बहुत पुराने और प्राचीन और बहुत सारे लोक देवता हैं, जिनमें सबसे प्रमुख माने जाते हैं ये मुखिया बाबा, जिन्हें हम दत्ता बाबा प्यार से पुकारते हैं, और फिर बड़ी भूमिया और अदर भूमिया भी हैं। उसके साथ ये छत्तू बाबा का मंदिर है जो हमारे बगल में, ये यहाँ के प्रमुख लोक देवता हैं, इनकी बहुत मानता है, बहुत मान्यता है। तो ये आपको दिख रहा है, ये है जमरोहा का किला। यहाँ पे प्राचीन समय पे पूरी बस्ती होती थी और राजा भी रहते होंगे इस किले के अंदर। बहुत ही बड़ा किला है। कहते हैं करीब 100-150 साल पहले इस गांव को किसी महामारी की वजह से छोड़ दिया गया था, तभी से ये गांव खाली और खंडर हो गया है। बहुत सात आजाद रहती, बहुत जैसे ऊँट और ईंग लेके आते हो तो एक ही ऊँट ईंग भाई नहीं है। एक ऊँट पे जितनी ईंग आ सकती है उतनी तो यहाँ पर
आदमी आया है, ठीक है, उनके लिए हो गई। ये देखिए कितना प्राचीन ये घड़ी है, और यहाँ पे अगर इसकी तरक्की हो जाए तो ये बहुत सुंदर लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी, बात सही है। भेड़ घड़ी की तो करवा दी है गवर्नमेंट ने। हाँ, भेड़ की तो हो गई है, भेड़ तो बाजार में है ना, बाजार में है, यहाँ की बहुत प्राचीन चीज है। आप इसकी दीवार का ये अंदर लगा दो, इतनी बड़ी दीवार होगी, इतनी मोटी दीवार है, ये देखो दीवार का ये रहा था, जो भी रहा था पड़ा है। अरे यार क्या हो गया, बहुत कर रहे काम है, जाना कहाँ है। अरे अभी क्या है कि यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और रास्ते बंद हुए हैं बिल्कुल, तो अभी हम लोग गर्मियों के टाइम पे आ गए, गर्मियों में ये सब फायदा है कि गर्मियों में घास गायब हो जाती है, रास्ते मिल जाते हैं, अभी सांप वगैरह का दिक्कत रहता है, तो हम ही हम लोग आपको ड्रोन से दिखाएंगे पूरा। कहते हैं ये किला जाट राजाओं द्वारा राज किया गया था। गोहद, बेहट, गिजोरा, पिछोर, ये पूरा सिंध नदी के आसपास ज्यादातर आपको जाट किले देखने को मिलेंगे। कहते हैं 300 से ज्यादा किलो पर जाट राजाओं का राज था इस क्षेत्र में। ये देखिए पूरा प्राचीन हवेलियां हैं और पूरा राजे बने हुए हैं हवेली के। जंगल देखिए कितना खतरनाक है, क्योंकि कैक्टस के पेड़ है यहाँ पे, देखो हर जगह। बहुत सुंदर हवेली होंगी ये, लोग पत्थर निकाल निकाल के ले गए यहाँ से, वो छत है, वो छत निकाल के देखो, वो देखो ये क्या छत है, लोग पट्टियाँ उतार ले गए, इसमें पट्टियाँ ले गए इसमें से, लाल से लोगों की वजह से पहले के समय यहाँ पे पूरा पट्टियों का बना होगा, अभी पट्टियों से हवेली बनी होगी, कचुआ से लड़ाव के बोलते, वो खपरा से देखिए, मैंने वहाँ देखे हैं जो गजौरा में है ना, ये घड़ी ना, ये घड़ी तो भाई ऐसी लदाव गई है ऊपर से, बस जो गजौरा बने ना, ये महंगा गजौरा, गजौरा में देखी मैंने हवेलियाँ, वो ये वही हवेलियाँ हैं। आसपास के हवेलियों में घुमा तो यहाँ के स्ट्रक्चर तो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन हवेलियों में जो पाट और पत्थर लगे हुए हैं वो यहाँ गायब हैं। कहा जाता है यहाँ से कोई पत्थर चोरी करे, यहाँ मौजूद देवता वो पत्थर वापस बुला लेते हैं, इसलिए यहाँ आज भी काफी हवेलियाँ अभी भी खड़ी हैं। ये भूल भुलैया टाइप में है, अरे वाह, बावन के मामा तुम्हारे, जगह ही अद्भुत है अपने आप में। हमें यहाँ से कुछ काम की वजह से जल्दी जाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ मौजूद भगत जी ने हमें ढांग की धुन सुनाई। ये ढांग जो है काफी बड़े आकार की है और इसकी आवाज भी ज्यादा भारी है। ये नाम वकील श्री भगत जी, भैया हम गोट के बारे में जानना चाहते हैं, गोट और ढांग क्यों बजाई जाती है? गोट ढांग हमारे यहाँ यूँ बजाई जाती है कि हमारे यहाँ जैसे रोग फैल जाता है गलघोंटा, उसमें देव को मनाते हैं बजाते हैं तो गलघोंटा भाग जाता है, और खुर फुटाया जाता है वो भी भाग जाता है, और हमको शांति मिलती है इसमें, इसलिए हम ढांग गोट को गाते हैं। गोट ये गोट काश देव की है, हाँ, जो काश देव ने फूल से बता लिया था उनके नाम का जस गाते हैं,
इसलिए इस गोट का नाम हम बखान करते हैं देवकास महाराज का। हाँ, उसके बखान से हमारा पूरा कष्ट दूर हो जाता है। जी सर, धन्यवाद। हाँ, राम राम। राम राम। ये सबसे बड़ी डाक है, बड़ी डाक है। थोड़ा बहुत समय यहाँ गुजारा और जो गांव वाले आए थे वो चाहते थे मैं यहाँ रुकूं रात तक और मेले को कवर करूं। मेरा भी बहुत मन था लेकिन कुछ अर्जेंट काम की वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ा, लेकिन यहाँ गांव वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत प्रेम से हमें बिठाया और हमारी खातिरदारी करी। हम पत्थर का छोटा सा ब्रिज है पत्थर का, इसको पार करके जा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ से पास ही में मौजूद एक छतरी पर गए जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर मौजूद है। यहाँ से एक छोटी सी बरसाती नदी भी गुजरती है। कछुआ। थोड़ा बहुत समय यहाँ गुजारा उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। अभी हम लोग बदामना वाले रोड पे हैं। ये रोड बदामना जा रही है। हम लोग नया रास्ता देख रहे हैं आज। यहाँ से एक शॉर्टकट है जो 84 वाली रोड पे निकल जाता है, वहाँ से मैं ग्वालियर जाऊँगा आज। ये हमेशा से मेरे में चुल रही है नए रास्ते ढूँढने की, और आज ये रास्ता दिख रहा है तो मन है इस रास्ते से जाने का। बहुत दिन से रास्ता देख रहा था मैं। ये देखो घड़ी दिख रही है, ये गुड़ी की घड़ी कह रहे हैं इसे, शायद कोई गाँव है घुड़ी बदामना रोड पे, वहीं पे उसकी घड़ी है ये। यहाँ पे भी कभी जाने की कोशिश करेंगे, अभी तो जंगल है पूरा अंदर। इस जंगल में और भी काफ़ी प्राचीन मंदिर और किले मौजूद हैं जो हम यहाँ आकर वापस एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। हमारे भारत की संस्कृति ज़्यादातर हमारे गाँव कस्बों में ही दिखती है। शहर तो एक तरीके से एक ही रंग में ढले जा रहा है। इन संस्कृतियों को जिंदा रखने के लिए आप अपने आसपास के गांव में ज़रूर जाया करें और लोगों से मिला करें। आपके यहाँ की संस्कृति में क्या खास है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।